हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आप देखें कि नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो x-2 और x है। तो आप इधर ये जो तीनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक x+4 डिवाइड बाई x-2 माइनस x-2 बाई x +4 इज इक्वल टू 0, तो इन सब से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्स से और x-2 से। ठीक है, x-2 और x से हम सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इधर भी इसी तरह x-2 और x मल्टीप्लाई x-2 डिवाइड बाय x, इधर भी इसी तरह x-2 एक्स और 4 हो जाएगा साथ मल्टीप्लाई, और इधर भी x-2 एक्स मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इधर जो वैल्यू कट हो जाएंगी, x-2 से कैंसिल कर देंगे आप, x x से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास इधर क्या बचा है? x और x, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? x2, और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा? 4x बच गया हमारे। ठीक है, इधर माइनस का साइन आ गया। ये मल्टीप्लाई का मेथड मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, एक दफ़ा फिर समझ लें कि एक्स को आप पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए आप ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, और x को आप -2 से मल्टीप्लाई करें फिर तो ये हो जाएगा आपके पास -2x। फिर आप इस -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2x, और फिर इसी -2 को आप इस वाले -2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन, 2 2s are 4 हो जाएगा। इधर प्लस आपके पास 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 4x। और 0 किसी भी चीज के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसे क्या कर देता है? 0 कर देता है। ठीक है, अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 4x, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज कर देते हैं, -x² + 2x + 2x - 4, और इस 4x ने को भी अब मल्टीप्लाई करना है। 4x इस x से पहले मल्टीप्लाई होगा, 4x² बन जाएगा। फिर ये 4x इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8, x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम x² वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास x² और ये -x², तो ये क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। ठीक है, अब एक x² वाली सिर्फ एक वैल्यू बच गई जो क्या है? 4x², आप इधर लिख लेंगे ये 4x². अब x वाली वैल्यू को देखते हैं, यहाँ +4x, इधर +2x, और +2x मिलकर कितने हो गए? 8x, प्लस का 8x, +8x में से माइनस का 8x अगर कैंसिल हो जाए तो x वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, दोबारा समझ लें इस वाले पॉइंट को ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। +4x में ये वाले +2x ऐड किए और ये वाले +2x ऐड किए तो आपके पास प्लस के कितने हो गए? 8x हो गए। ठीक है, ये जिधर मैंने नीचे ये निशान लगाया है, ठीक है, तो 4x प्लस का, 2x प्लस का और ये वाले 2x प्लस का ऐड हो गए कितने हो गए? 8x। और हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है? -8x, तो +8x - 8x से क्या हो गए? कैंसल हो गए, यानी कि x वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? खत्म हो गई। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ -4 = 0। अब दोनों वैल्यूज में 4 आ रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड और इधर भी 4 से डिवाइड। 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 हम लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा? x², इधर भी 4 1s are 4, 4 1s are 4, -1 और 0 by something क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट बचा, इसके मुताबिक हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, अब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, प्योर फॉर्म है,
क्यों प्योर फॉर्म है? क्योंकि इसके अंदर बी वाली वैल्यू क्या है? जीरो। बी वाली वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें एक्स लिखा हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू है, और विदाउट एक्स या एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे? ये प्योर फॉर्म है, और ये ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। सॉल्व करने के बाद ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही है। आई होप 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए मैं डेली एक पार्ट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, जहाँ से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।